प्लेस पे है जहाँ सिम्बा का बाल कटने वाला है पेट शॉप के अंदर। तो जैसे कि मैंने बताया था तो आ गए मेरे पीछे आप देख रहे हैं तो अभी फिलहाल वॉक कर रहा है। उसके बाद यहाँ से 5 मिनट में जैसे सिम्बा आ चुका है मेरा तो थे, मेरा पैसा तो लग रहा था उसको गाइज। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो नए ब्लॉग में आज का ब्लॉग बहुत धमाकेदार है और डरावना भी है क्योंकि आज है सिम्बा का सैलून डे। तो सिम्बा का आज है सैलून डे। तो गाइज आज हम लोग सिम्बा को लेके जाएंगे सैलून और वहाँ पे सिम्बा का हेयर कट होएगा, नेल कट होएगा। देखते हैं हमारा सिम्बा कैसा लगेगा हेयर कटिंग के बाद, क्योंकि उसके बाल ना गाइज बहुत ज़्यादा इस समय झड़ रहे हैं, इसलिए इसका उपाय डॉक्टर ने बोला है कि इसको एक बार आप कटिंग करा दो फिर देखते अच्छा आएगा, फिर नहीं झड़ना चाहिए। तो इसके वजह से आज सिम्बा को हम लोग लेके जाएंगे, देखेंगे वहाँ सिम्बा का रिएक्शन और सिम्बा हमारा कैसा दिखता है हेयर कटिंग के बाद, आप लोग को भी दिखाएंगे। तभी सिम्बा रुमाल खा गया था, तभी इससे क्वेश्चन आंसर होएगा। देखो उसमें बताता है कि रुमाल किसने लिया था भैया, कि तुमने लिया था, क्यों लिया? कुछ जवाब नहीं मिला। अब वीर वहाँ देखिए क्या काम कर रहा। देखो नहीं देव, मोबाइल दो तो अच्छी माँ, अब मोबाइल नहीं दो तो गंदी माँ। तो मैं वीर की गंदी माँ ना वीर। इनको पिज्जा खिलाऊं, इनको सब करूं तो अच्छी ना ठया क्या? क्यों हंसी क्यों आती है तुमको? हाँ क्यों हंसी आती है, बोलो बोलो क्यों हंसी आ रही है? आज छुट्टी है वीर का, क्या वीर का छुट्टी है तो छुट्टी डे मना रहा है वीर ना वीर। छुट्टी डे मोबाइल देख देख पगल आ जाता है रह रह। सिम्बा यहाँ छोड़ छोड़ नाटक मत कर, मैं तो मार खा रहा हूँ। तो आज क्या बनाने जा रहे हो मेरे लिए? स्पेशल डिश कुछ बना रहे हो? बोड़े की भाजी बनेगी। कभी आप अपने हाथ का भी हमें खिलाइए, पुलाव जिगर चीज खाने के लिए, लेकिन एक पुलाव ही खिला दीजिए, आपके हाथों में जादू है। फिर कॉलेज से आके कुछ पापा से अपने डिस्कस कर रहा है, बात कर रहा है और फाइनली हमारा सिम्बा जा रहा है आज हेयर कटिंग पे। तो गाइज आप बने रहना ब्लॉग को, देखते रहना हमारा सिम्बा। आप तो रोज ब्लॉग में देखते होंगे कि हमारा सिम्बा कैसा लगता है। अभी हेयर कटिंग हो जाएगा तो देखते हैं हमारा सिम्बा कैसा दिखेगा। इसके पापा बोले कि हम सर के ऊपर से हेयर कटिंग नहीं कटाएंगे, नीचे से पूरा भाव को हेयर कटिंग कराएंगे। तो मुझे तो थोड़ा सैड लग रहा है क्योंकि बाबू का पूरा रौनक चला जाएगा, लेकिन बोल रहे हैं कि उसके बाद बाल उसका बहुत अच्छा आएगा, कि उसके बाद उसका बाल बहुत अच्छा आएगा। तो फिर चलो देखते हैं कैसा कटाते हैं। आगे का मैं नहीं जा रही हूँ, वीर जाएगा, वीर के पापा रहेंगे तो वो ब्लॉग में आपको बताएंगे और उसको दिखाएंगे आप लोगों को कि ये लोग जाएंगे, ये लोग बताएंगे आपको कि कैसा कटिंग होगा। मैं तो जब ये लोग घर पर आएंगे तब मैं देखूंगी लाइव सिम्बा को, कि लाइव सिम्बा को मैं देखूंगी कैसा इसका हेयर कटिंग रहेगा। तो अभी रेडी हो रहा है, गाइस रेडी हो गया बाबू, यहाँ पे सब पैन हो गए रेडी। इतने सॉफ्ट सॉफ्ट बाल ठीक हो जाएंगे। तो गाइस आप लोग देख लो मेरे बाबू के बाल कितने अच्छे हैं, पेट के बाल हैं, तो पेट के बालों को काट के देखते हैं बाबू का, समझ रहे हो? बाबू का बाल अच्छे से आएगा। अरे नहीं मैं बोलूंगा डायरेक्टली अंकल, बस इतना इसके हाथ के ऊपर है ना मेरे, उतना काटना है बस। मतलब इसको पूरा टकलू मत करना ना। अरे मैंने क्या बोला, जितना मेरा हाथ मत मारना पूरा, मेरे हाथ के ऊपर है ना उतना ही बस, पूरा एकदम टकलू मत करना बाबू, नीचे का पूरा टकलाएगा। हाँ नीचे का चलेगा लेकिन ऊपर का मत करना, नीचे का पूरा टकलाएगा। चलो ठीक है, अभी भी निकाल रहे पापा, अभी गाड़ी निकाल रहे ना, रुक जाओ ना थोड़ा। अरे कल हमें बहुत सारे कुत्ते मिल गए ना, इसके फ्रेंड्स है, हम लोग ने उनको फ्रेंड्स बना लिए। तो डंडा निकाल लेना, 7 बजे आते हैं तो डंडा निकाल लेना, 7 बजे इसको लेके जाते हैं, एकदम ही डर जाता है। कौन इसको डराने का नहीं है ना, डंडा ले लिया। फ्रेंड्स आते फ्रेंड्स, चप्पल साइड में रखो ना घर के, मैं तो फ्रैंक की फिक्की खाते खाते इसको कटवाऊंगा। तो सिम्बा यहाँ निकल रहा है हेयर कटिंग के लिए गाइस, अब देखते हैं सिम्बा का रिएक्शन कैसा रहेगा, वीर आगे का अपडेट देगा आप लोगों को।
वीर निकल रहा है ये लोग, तो पता चलेगा घर में हेयर कटिंग का। अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ घर में, इस घर में झाड़ू मार देती हूँ, फिर इस घर में अपने लिए चाय पानी नाश्ता करना स्टार्ट कर देती हूँ। ये लोग तो निकल चुके हैं घर के लिए, मतलब हेयर कटिंग कराने के लिए। समीर आया, समीर को नाश्ता दे देती हूँ, उसे भी भूख लगा होगा। घर में आज घोड़ा की भाजी और रोटी बनने जा रही है, तो आज यही बनेगा, तो हम सब यही डिश खाएंगे। अभी तो चाय पानी हो रहा है, टीवी देखा जा रहा है, अभी तो हम लोग चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद भाजी रोटी बनेगा। अब बच्चे लोग, जैसे पता है आप लोगों की, सिम्बा का आज गया है हेयर कटिंग, तो सिम्बा का हेयर कटिंग करके आएंगे। फिर आगे होगा कि आज एक सरप्राइज है, सिम्बा का आज ग्रूमिंग है और हम इसको लेके निकल चुके हैं, तो सोचे कि पहले इसको वॉक करा दें, उसके बाद इसको ग्रूमिंग क्लास में इसके लेके चले। तो आज इसका हेयर कटिंग, नेल कटिंग, ये है सिम्बा जो अभी फिलहाल वॉक कर रहा है। उसके बाद यहाँ से 5 मिनट में हम इसको इसके सिटी शॉप में, मतलब उसका नाम है, वहाँ पर लेके जाएंगे। और इस करीबन 1.5 घंटे का प्रोसेस है, वो होने के बाद फिर इसका बिफोर और आफ्टर वाला सीन हम आपको दिखा देंगे। क्या वीर? हाँ। क्या बोलते हो, सिम्बा का क्या हाल है? सही है, अभी फटाफटी है सुबह की भी। हालांकि इसको भी मालूम पड़ गया है आज इसके साथ कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि सवेरे जब हम अपॉइंटमेंट लेने गए थे तब से लेकर अभी तक ये सिर्फ उदास था। और गाइस, मेरी ग्रूमिंग का हाल तो ये इस प्रकार है कि सावन है। लीजिए भाई, इनको भी लीजिए। हेलो, हाय। यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? वीर स्काई ब्लॉग। और ये है वीर, और स्काई आसमान, स्काई कलर। यस, थैंक यू। नाम क्या है इसका? सिम्बा। सिम्बा जी। कितने साल का ये? अभी 6 महीना, अपना 1 साल 6 महीना। देखा था मैंने वो, हाँ, 6 महीना। थैंक यू। और आप कहाँ जा रहे हैं? बैडमिंटन। टेनिस। चलेगा, इस पर चलते हैं। मिक्स ऑल ओवर मिल गए थे, तो उन्होंने वेलकम किया, अच्छा लगा। और इस एक्साइटेड में कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाए, तो मैंने कहा कि मेरी ग्रूमिंग का कारण ये है कि सावन महीना चालू है और बहुत पावन महीना है, तो इसमें बाल दाढ़ी नहीं करते। हाँ, नॉनवेज वगैरह जो भी है, मतलब सारी चीज़ें नहीं खाते एक महीना, तो एक महीने तक यही हाल रहेगा। फिर उसके बाद मेरे भी ग्रूमिंग का टाइम आ जाएगा, तो सारी चीज़ें निकल जाएंगी। बाय। चुके हैं वो प्लेस पे जहाँ सिम्बा का बाल कटने वाला है, मेरी बाल की भी इसी जैसी हो चुकी है। और चलो पहुँचते हैं। फोन का साउंड बहुत ही ज़्यादा है, पकाया बात कर रहा है। सामने ही है वो संतोष के होटल के बाजू में एक है, आपको दिखा चुके हैं पेट शॉप के अंदर। चलो आ जाओ, आ जाओ ऊपर आ जाओ। आज सिम्बा का बाल कटेगा, बाल कटेगा। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था, तो हम आ गए, मेरे पीछे आप देख रहे हैं सिटी पेट शॉप, और हम अंदर इसमें आ चुके हैं। लेकिन अभी जो बाल काटने वाला है वो अभी तक आया नहीं है, हालांकि 10 मिनट पहले ही आ गया मैं, क्योंकि तो मुझे कॉल आया था, इसके लिए मैं आ गया। सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा बाहर भाग रहा है, उसको मालूम पड़ गया आज इसके साथ कुछ ना कुछ होने वाला है। तो ये शॉप है जहाँ पे पेट और कैट सारी खाने की, ग्रूमिंग की, शैम्पू, विटामिन और जो भी इनके खेलने वेलने की सामान है, सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, बिल्ली और कुत्तों की। सुनना, कमाल कट्टे हो गए हैं का है बस। सिम्बा कर, अच्छा वो भी देख रहा है।
क्या हुआ है मेरे बाल के साथ। अच्छा दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो? मुझे भी शर्म आती है, एक्चुअली उसको शर्म आ रही है, बट उसको ठंडा भी लग रहा है उतना, उसको अच्छा भी लग रहा है, तो फ्रीली हो जाता है। और गर्मी के समय अगर हमारा बाल कटता है तो हमें अच्छा लगता है। ये देखो क्या मालूम उसको अच्छा लग रहा है, इसको टेंशन, इसको स्ट्रेस तो है गाइस, थोड़ा स्ट्रेस हो गया है, दो तीन दिन में थोड़ा ठीक हो जाएगा। ठीक है हो जाएगा, एक महीने में गाइस इसका ग्रोथ हो जाएगा। ये भी थोड़ा कटवा देने, देखो कितने लंबे लंबे हैं। गाइस यहाँ सिम्बा के बाल कट चुके हैं, बस मुंडी का नहीं कटा और सबका कट चुका है। और मम्मी यहाँ उदास हो रखी है, हसबीर उदास भी है, देख सकते हैं। ये तो भाई सदमे में आ गया भाई, जैसे सिम्बा आ चुका है, मेरा तो देख के मेरा कैसा तो लग रहा था उसका। तो गाइस तो हम लोग जा रहे हैं अब खाना खाने, मैं जा रही भाजी रोटी सबको दे देती हूँ। अब आबू यहाँ पे देखिए प्लास्टिक है कुछ लेके काट रहा है और हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया, खा पी के अभी हम लोग थोड़ा टीवी देख रहे हैं, क्राइम पेट्रोल, अभी इसको देखते हैं, एंजॉय करते हैं। समीर तो अपना पढ़ाई करने गया, वीर अभी आराम कर रहा है क्योंकि उसका कल स्कूल है। तो गाइस एक सेकेंड पहले टीवी म्यूट कर दूँ। तो गाइज हम लोग क्राइम पेट्रोल थोड़ा देखते हैं और समीर को पढ़ाई करने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।